भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का यह बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया, इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जाकर के तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है, इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और 1 बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने यह अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य जो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो, हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं
ہندو مسلمانوں میں بھید پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا کارج کیا جس کی وجہ سے عام ہندو سیدھا سادہ ہندو بیچارہ جان ہی نہیں پاتا ہے اسلام کیا ہے اور سناتن دھرم کیا ہے. سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے. سناتن دھرم دھرم ہے اور شاید جو سنسکرت کا سناتن شبد ہے اگر کسی بھاشا میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے کیونکہ پرماتما ایک ہے, پرماتما سب کا ہے. یہ سندیش رشیوں منیوں نے دیا اور یہی سندیش پرماتما کا بھیجا ہوا سندیش سوئم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا. تو ہم بھید بھاؤ کیوں کریں؟ یہاں پر بھارت کا مسلمان, ایک بات بالکل میں اسپشٹ بتا رہا ہوں آپ سے, اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا. اس لیے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا.